जनपद मैनपुरी में भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। दूसरे की जमीन पर न्यायालय का स्टे होने के बाद भी खुदवाई नीम दबंग कर रहे हैं कब्जा। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार भू माफियाओं के खिलाफ एंटी भू माफिया अभियान चलाकर लोगों की भू माफियाओं के चंगुल में फंसी जमीनों को मुक्त कराने की बात करती हुई नजर आ रही हो, लेकिन जनपद मैनपुरी में आज भी कई ऐसे पीड़ित अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी जमीनों पर भू माफिया अवैध रूप से कब्जा कर जमीनों पर जेसीबी से नीम खोदकर मकान बनाने पर तुले हुए हैं। भू माफिया कब्जा करने से भी अभी बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर भी है, लेकिन प्रशासन कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी शहर कोतवाली के नगरिया खुर्द का है। मैनपुरी निवासी विमला देवी पत्नी सुरेश चंद सक्सेना स्टेशन रोड छपट्टी शहर के पति सुरेश चंद ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि नगरिया खुर्द देहात क्षेत्र में गाटा संख्या 588 रखवा 0.81 बाईपास मार्ग पर 24/901 मीटर का एक प्लॉट मौजूद है, जिसका 16 साल पूर्व हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी शहर निवासी गंगा सहाय ने सुखराम सिंह यादव पुत्र शिवराम यादव निवासी देसीदास तहसील भोगांव जनपद मैनपुरी के नाम एक फर्जी बैनामा कर दिया था, जिसका मुकदमा विचाराधीन न्यायालय में चला है। उक्त जमीन पर निर्माण कार्य न होने के लिए हाईकोर्ट ने स्टे लगा दी थी। इसके बावजूद भी सुखराम सिंह और उसका पुत्र कोमल यादव, रविंद्र सिंह, अरविंद सिंह आदि लोगों ने जेसीबी से विमला देवी के प्लॉट में जबरन नीम खुदवा कर कब्जा करने पर तुले हैं। नीम की जानकारी मिलने पर पीड़ित पक्ष जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और दबंगों के विरुद्ध शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जमीन पर हो रहे अवैध काम को रुकवा दिया है। पीड़ित पक्ष न्याय की तलाश में अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। विपक्षी भी अपना दावा पेश कर रहा है कि उसने जमीन का गंगा सहाय से बैनामा कराया है, वह जमीन पर मकान बनाना चाह रहा है। पुलिस ने कार्य रुकवा दिया है, जब तक इसका निस्तारण नहीं हो जाता तब तक वह मकान नहीं बनाएंगे। पता जी आपका? विमला सक्सेना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? स्टेशन रोड। अच्छा, आपने जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर की है कुछ भू माफिया आपकी जमीन पर कब्जा, कहाँ का मामला है, पूरा क्या पूरा मामला है बताएं जरा। नगरिया बाईपास आ रहे वहाँ पर दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं, हाईकोर्ट हाँ। मान रहे। थाने में शिकायत की थी आपने? हाँ, की थी सर। हाँ, क्या हुआ, कोई कार्रवाई हुई अब तक? पुलिस ने रुकवाया काम? क्या रुकाया था? उसके बावजूद भी कब्जा हो रहा है? कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, सरसों में थोड़ी बैठी रहेगी। हाँ, मानना है। तो हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हाँ, हम तो सोच रहे योगी से जमान मिलाने के लिए। हाँ। अच्छा, और यहाँ जिलाधिकारी के भी चक्कर काट रहे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ऐसा है, गाटा संख्या है हमारा 588 जी, तो 588 के इन्होंने मतलब एक फर्जी बैनामा कर दिया था हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद जी। रविंद्र यादव और कोमल यादव ने माफी नगरिया है, तो पर हम कई पुलिस के बाद पहले भी रुकवा दिया। हाँ। अब रुकवाने के बाद फिर पुलिस अब फिर कब्जा करने लगे, फिर पुलिस गई, अब पुलिस रुकवाती है फिर वो कब्जा करते हैं। तो क्या दबंग है? हाँ, दबंग ऐसा पूरा परिवार है। रविंद्र यादव नगरिया पास रहते, हम यहाँ से रहते 3 किलोमीटर दूर। अच्छा, बैनामा किसने किया था? बैनामा किया था गंगाराम ने। ये कौन थे? गंगाराम यादव का मतलब उसमें और मतलब स्टे के बावजूद उन्होंने बैनामा कर दिया, तो वो वैसे ही फर्जी हो गया। तो और सोभी साहब उधार में बैनामा किया, उधार में कहीं बैनामा नहीं होते, अब वो भी यादव थे। आपने थाने में एक शिकायत दर्ज की थी जी, क्या कार्रवाई हुई इस पर? थाने में गए, पकड़ लाए, उनसे लिखवा लिया कि अब कब्जा नहीं करेंगे। अब साहब लिख के देंगे, फिर वो सुबह ही लग जाते हैं, पास में रहते हैं। मतलब हाई कोर्ट का स्टे होने के बावजूद हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद भी वो लोग नहीं मानते, रात में करते हैं। अब सब हम रात में भाग के जाते हैं, पुलिस तो पुलिस जाती, फिर रुक जाते, भाग जाते। तो क्या आपको भी खतरा है? अरे साहब, हमारे साथ फोटो भी खींच लिया उन लोगों, कहीं यही लड़का आता है, हमारी माँ के नाम जमीन है, अब वो है 85 साल की सीनियर सिटीजन। अब तो सीनियर सिटीजन तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो साहब कल रविंद यादव ने हमारा फोटो और खींच लिया, हम इसको देते हैं, हमने इंस्पेक्टर साहब को भी बुलाया, ये बात उनके संज्ञान में। पुलिस की तरफ सब तक क्या कार्रवाई हुई? पुलिस साहब जब हम जाते हैं, पुलिस तुरंत चली जाती और उसको रुकवा देती है। कल उनसे लिखवा के भी ले लिया कि हम दोबारा कब्जा नहीं करें, पर वो लोग मानते नहीं। लेकिन अभी भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई? वैसी कार्रवाई नहीं की गई, उनके ऊपर
भूमाफिया लगाते या और कुछ करते सोनो में कि पकड़ लाते तो हौसले हौसले बुलंद है, हौसले बुलंद है। ठीक है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।